हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोनिका बस्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड टुडे वी विल सी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दिस इज सेकंड पार्ट फॉर दिस टॉपिक. एंड इन दिस टॉपिक वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज. अ डिस्क्रीट सीरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. जब कभी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कोई ऐसा सर्वे होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है और उस डेटा में कुछ वैल्यूज बार बार रिपीट होती है, तो ऐसे केस में हम उन डेटा को इंडिविजुअली सीरीज में अरेंज करने के बजाय वैल्यूज को उनकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज के साथ डिस्क्रीट अथवा खंडित सीरीज के रूप में अरेंज करते हैं, जिससे हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा समराइज होकर के स्मॉल फॉर्म में, मीन्स एक छोटी टेबल के रूप में अरेंज हो जाता है और डेटा को स्टडी करना आसान हो जाता है. ये हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं. इन अ स्कूल देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास 1. डेटा रिलेटेड टू देयर एज इज गिवन बिलो. किसी स्कूल की क्लास 1 में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके एज से रिलेटेड ये डेटा दिया हुआ है. इस डेटा में हम देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनको इंडिविजुअली सीरीज में अरेंज करने के बजाय हम इसको डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में अरेंज करके इनको स्टडी कर सकते हैं, जिससे ये बड़ा डेटा समराइज होकर के शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसके लिए हम कुछ वैल्यूज लेंगे जो बार बार रिपीट हो रही हैं. इसमें जो रिपीटेड वैल्यू है वो है 4, 5, 6 एंड 7, और सेकंड कॉलम में इन वैल्यूज की फ्रिक्वेंसी लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर इस डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, और इसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. दिस इज द टेबल. कॉलम 1 में एज ली हुई है, मींस ये वैल्यू है 4, 5, 6 एंड 7. हमारे पास यहाँ पर चार टाइप का डेटा है, तो हमने एक्स कॉलम में वैल्यूज ले ली. सेकेंड कॉलम में हम उन वैल्यूज की फ्रिक्वेंसी लेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर सीरीज में कितनी बार रिपीट हुई है. 4 वन टाइम आया है, इसमें 5 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 9 टाइम्स रिपीट हुआ है इस डेटा सीरीज में, एंड 7 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो टोटल ये जो फ्रिक्वेंसी है ये 20 होगी, मींस 20 स्टूडेंट्स की एज का रिपीटिशन इस हिसाब से हुआ है. तो जब हम डेटा को इस फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा समराइज होकर के शॉर्ट फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है, और फिर इस डेटा को स्टडी करना आसान हो जाता है. अब हम इस शॉर्ट टेबल देकर के इजीली बता सकते हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे की कितनी फ्रिक्वेंसी है. तो इस तरह से जब हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं तो ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है. अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली तीन मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड. इंडिविजुअल सीरीज जो हम लास्ट लेक्चर में देखे हैं इसमें और डिस्क्रीट सीरीज में मेन डिफरेंस होता है फ्रिक्वेंसी का. इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास केवल वैल्यू होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू के साथ फ्रिक्वेंसी भी होती है. तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, मींस जितनी वैल्यूज हैं उनका समेशन करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना होता है. लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होने के कारण फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स अपॉन एन, मींस फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको एन से डिवाइड करते हैं. तो ये डायरेक्ट मेथड है. सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड. इसको कल्पित माध्य विधि या लघु विधि भी कहते हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन. डी मीन्स होता है डेविएशन, विचलन. अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया जाता है एक्स मीन्स वैल्यूज का, और लास्ट में उसका समेशन करते हैं तो वो कहलाता है समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर एन नंबर ऑफ वैल्यूज है. डिस्क्रीट सीरीज में डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, means f into dx divided by n, deviated value को जो विचलन लेने के बाद वैल्यू आई है उसको f से गुणा कर देंगे और n से डिवाइड करेंगे, then उसमें assumed mean को add करते हुए समांतर माध्य निकाल लेंगे. तो basically method same है, बस difference frequencies का है. frequencies से मल्टीप्लाई करना है, इधर पे x को मल्टीप्लाई करना है, इधर जो dx लिया है deviated value उसको x से मल्टीप्लाई करना है. तो ये शॉर्टकट मेथड है. थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. तो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं अप्लाई किया जाता है. डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन्स पद विचलन विधि से एक्स बार निकालने का फॉर्मूला है
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डेस अपॉन एन इंटू आई। सेम फॉर्मूला है, इसमें हम डेविएटेड वैल्यू यानी कि डेविएशन लेने के बाद उसको कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और डी डेस की वैल्यू निकालते हैं, और डी डेस निकालने के बाद उसका समेशन लेते हैं और उसको एन से डिवाइड करते हैं, देन उसको आई जो कॉमन वैल्यू से हमने यहाँ पर डिवाइड किया था उसी नंबर से बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तीन मेथड हैं जो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर मेथड दिया है तो हमें वही मेथड अप्लाई करना होता है। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड अप्लाई करने का इंडिकेशन नहीं है तो हम इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रीट डेटा बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। ये एक डेटा है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों ही मेथड से मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये x मीन्स वैल्यू है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड फ्रीक्वेंसी 16, 20, 24, 21 एंड 19। जनरली फ्रीक्वेंसी की टेंडेंसी होती है स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है और मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज हो जाती है, मीन्स कर्व के फॉर्म में इस तरीके से कर्व मिलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है और उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हम इन्हीं वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी को लेकर के एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। इस कॉलम में हमने x लिया 2, 4, 6, 8, 10 और इधर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ली। अब हमको मालूम है कि x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, और n क्या है? ये फ्रीक्वेंसी। जहां पर भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां पर n फ्रीक्वेंसी को ही लेते हैं, और इसको हम समेशन ऑफ एफ भी कहते हैं क्योंकि ये एफ वाले कॉलम का टोटल होता है, इसीलिए इसको सिग्मा एफ अथवा एन लिखते हैं। तो इस केस में समेशन ऑफ एफ 100 है, मींस एन की वैल्यू 100 है, हमारे पास 100 यूनिट्स हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार हमें नेक्स्ट कॉलम में एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम में हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया है, ये एक्स है ये एफ है। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 32 आएगा। 4 × 20 = 80, 6 × 24 = 144, 8 × 21 = 168 एंड 10 × 19 = 190। तो अगले कॉलम में हमने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर लिया। लास्ट में हम इस कॉलम का समेशन लेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स, मीन्स एक्स और एफ वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल इस केस में है 614। तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों ही वैल्यू आ गए, सिग्मा एफ एक्स और एन। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू होगा 614, ये एफ एक्स है, डिवाइडेड बाई 100, एन की वैल्यू 100 है। यहाँ पर n की जगह सिग्मा f भी लिख सकते हैं। तो 614 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.14। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से इस डेटा की मीन वैल्यू होगी 6.14। अब हम सेम डेटा से सेकंड मेथड मीन शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये सेम डेटा है, वही क्वेश्चन है, इसमें हमने x और f को ले लिया। तो दो कॉलम शॉर्टकट मेथड में भी हमने स्टार्टिंग में दोनों कॉलम क्वेश्चन से लेकर के टेबल बनाई। अब हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स अपॉन एन, जहां पर डी एक्स क्या है? x से विचलन, मीन्स x वाले कॉलम से हमें डेविएशन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस लेने के बाद dx कॉलम को f से मल्टीप्लाई करना है, मींस dx निकालने के बाद उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसको n से डिवाइड करना है और लास्ट में उसको एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देना है। तो बेसिकली डेविएशन हमें एज्यूम्ड मीन से लेना है। एज्यूम्ड मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम पहले से मान लेते हैं किसी डेटा सीरीज में कि वो वैल्यू इस सीरीज का मीन होगी, मींस माना हुआ माध्य एज्यूम्ड मीन कहलाता है। फिर माने हुए माध्य से हम हर वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेकर के फर्दर वास्तविक मीन को एक्चुअल मीन को ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए इसे एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं क्योंकि हम पहले से ही इसमें किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेते हैं। और जनरली मीन किसी डेटा सीरीज की सेंट्रल वैल्यू होती है, तो इसीलिए हम सेंट्रल वाली वैल्यू को मीन्स मिड में जो वैल्यू होती है उसी को मीन एज्यूम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने 6 को मीन एज्यूम कर लिया, 6 सेंट्रल वैल्यू है, हमने मान लिया कि 6 इस सीरीज का मीन होगा। अब नेक्स्ट कॉलम में इस एज्यूम्ड मीन से बाकी वैल्यू का डेविएशन मीन्स विचलन या डिफरेंस लेंगे। तो ये डिफरेंस वाला कॉलम है, डेविएशन का कॉलम है, जिसको हम लिखेंगे डी एक्स,
डी मीन्स डेविएशन या विचलन, और चूंकि ये एक्स वाले कॉलम से लिया जा रहा है, एक्स का डेविएशन है, इसीलिए लिखेंगे डी एक्स। और डी एक्स को कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, जो एक्स है हमारे पास और जो ए माना है हमने, तो हर एक्स से ए को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट एक्स इज टू, तो टू माइनस सिक्स, सिक्स एज्यूम्ड मीन है, तो 6 को माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि 6 बड़ा है और ये 6 माइनस के साथ है, तो हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 4। 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 एंड 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो हमने देखा जिस वैल्यू को हमने मीन एज्यूम किया उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसके ऊपर की वैल्यू माइनस में आती है और उसके नीचे की वैल्यू प्लस में आती है। तो इस तरीके से हमने एज्यूम्ड मीन से सभी वैल्यूज को सब्स्ट्रैक्ट करते हुए डेविएशन ले लिया। अब हमारे फॉर्मूला में है एफ इंटू डी एक्स, मीन्स हमें जो डी एक्स वाला कॉलम आया है इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, ये है एफ और ये डी एक्स आ गया, तो नेक्स्ट कॉलम में हम एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कॉलम में हमने एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाइड वैल्यू ली है। फर्स्ट ग्रुप के लिए हमारा एफ है 16 और डी एक्स है माइनस 4, तो 16 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 64, 20 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 40, जो एज्यूम्ड मीन वाला क्लास है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है। 21 इंटू 2 इक्वल टू 42, 19 इंटू 4 इक्वल टू 76। तो हमने एफ और डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू निकाल ली। अब अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस वैल्यू को मीन एज्यूम किया था उस क्लास का एफ इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, उसके पहले की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और उसके नीचे की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मींस इस केस में हमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव्स में और कुछ नेगेटिव्स में मिलती है, तो हम दोनों ही तरह की वैल्यू को अलग अलग जोड़ लेते हैं। माइनस में वैल्यू है 64 एंड 40, तो 64 एंड 40 का समेशन होगा -104। प्लस में 42 एंड 76 है, इनको ऐड करेंगे तो होगा 118। तो प्लस में वैल्यू आई हमारे पास 118 और माइनस में है 104। अब एक प्लस और एक माइनस में है तो ये दोनों वैल्यू आपस में सब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इनको घटा देंगे और घटाने के बाद वैल्यू आएगी 14, और ये 14 प्लस में आएगा क्योंकि हमारी प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है साइन हमेशा उसी वैल्यू का आता है। प्लस में वैल्यू बड़ी है तो ये प्लस होगा, प्लस 14 आया। अगर माइनस में वैल्यू बड़ी आती तो ये प्लस वाला साइन इधर माइनस हो जाता, और जब यहाँ पर माइनस आता है तो ऑटोमेटिक ये साइन भी माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 14 है तो ये साइन प्लस में ही रहेगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन n है, a हमने 6 को माना तो a की जगह लिखेंगे 6 प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स, इस वाले कॉलम का टोटल 14 है तो हम इधर 14 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसीज का टोटल 100 है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब 100 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x बार इक्वल टू 6 प्लस 0.14 एंड 6 में 0.14 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6.14। तो इस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से आंसर 6.14 आएगा और डायरेक्ट मेथड से भी ये आंसर 6.14 था। हेंस बोथ द मेथड्स गिविंग सेम मीन वैल्यू। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें अथवा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें आंसर सेम आता है। नाउ वी विल सी थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। तो सेम क्वेश्चन के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकालेंगे। तो हमारे पास x और f वैल्यू गिवन है, ये x है ये f है। स्टेप डेविएशन मेथड भी अज्यूम्ड मीन मेथड के जैसा ही है काफी कुछ, लेकिन इसमें एक स्टेप का डिफरेंस है, एक स्टेप और लेते हुए मींस एक कॉलम और बनाते हैं इसमें, जिसमें डेविएटेड वैल्यू को किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको f से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन n इनटू i, मींस एफ डी एक्स की जगह हम लेंगे एफ डी डैश अपॉन n और इसको i से मल्टीप्लाई कर देंगे। i क्या है, एक कॉमन वैल्यू है, जिस कॉमन वैल्यू से हम dx को डिवाइड करके d डैश निकालते हैं और बाद में उसी कॉमन वैल्यू को समेशन एफ डी डैश अपॉन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड। तो ये दो कॉलम क्वेश्चन से गिवन है, अब क्वेश्चन के अनुसार हमको डेविएशन लेना है। तो डेविएशन के लिए हमको फिर से मीन को अज्यूम करना होगा, हमने 6 को मीन अज्यूम कर लिया। अब हम नेक्स्ट कॉलम में 6 से सभी वैल्यूज को
माइनस करते हुए विचलन ले लेंगे। ये अगेन कॉलम लास्ट मेथड के जैसे ही बनाया है, एज्यूम्ड मीन को हर वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो 2 - 6 - 4, 4 - 6 - 2, 6 - 6 - 0, 8 - 6 - 2, 10 - 6 = 4 है और n 100 है। मैंने क्वेश्चन सेम लिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब हम नेक्स्ट कॉलम में डी डेस निकालेंगे। डी डेस क्या है? डी डेस इक्वल टू डी एक्स अपॉन आई, मीन्स ये जो डी एक्स वैल्यू आई है इसको हम आई से डिवाइड कर देंगे। आई से डिवाइड क्यों करेंगे? अपने क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। हमारे पास ये डेविएटेड वैल्यू है। अब अगर ये डेविएटेड वैल्यू को हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको एफ से गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू कम होगी और उसको जोड़ करके मीन निकालना आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। और ये कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर मतलब होता है, कॉमन फैक्टर हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो अगर हमारी एक्स वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से अगर हमारी x की वैल्यू इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है तो हम इनके बीच के डिफरेंस को i मान लेंगे। इस केस में i इक्वल टू 2 होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर इरेगुलरिटी है, मीन्स डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इस केस में हम एक ऐसी कॉमन वैल्यू को i मान लेंगे जिस कॉमन फैक्टर से डेविएटेड वैल्यू को डिवाइड किया जा सके। मीन्स ये जो डेविएटेड वैल्यू है इसमें उस कॉमन फैक्टर से भाग चला जाए। तो यहाँ पर तो डिफरेंस भी 2 का है तो i इक्वल टू 2 होगा। और अगर ये डिफरेंस इरेगुलर होता, 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम कॉमन फैक्टर मान लेते और 2 से इन सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देते। तो i इक्वल टू 2 है। यहाँ पर हमने -4 को 2 से डिवाइड किया, -4 / 2 इक्वल टू -2 होगा। -2 / 2 इक्वल टू -1, 0 / 2 इक्वल टू 0, ये कॉलम की वैल्यू 0 ही रहती है। 2 / 2 इक्वल टू 1 एंड 4 / 2 इक्वल टू 2। तो ये दो माइनस में आई है वैल्यू, ये दो वैल्यू प्लस में आई है। तो हमने इस तरीके से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हुए dx वाले कॉलम की वैल्यू को और छोटा बना दिया। तो बेसिकली इस मेथड का मेन मोटिव यही है कि कैलकुलेशन को आसान बना दिया जाए। डी डेस आने के बाद अब f इंटू डी डेस है, तो f को डी डेस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले कॉलम में। तो ये एक मैंने कॉलम लिया हुआ है, इसमें f को डी डेस से मल्टीप्लाई किया। f फर्स्ट क्लास का है 16 और डेविएटेड वैल्यू है -2। तो 16 - -2 इक्वल टू -32, 20 - -1 इक्वल टू -20, 24 - 0 = 0, 21 - 1 इक्वल टू 21, 19 - 2 इक्वल टू 38। तो इस तरीके से हमने एफ डी डेस कॉलम ले लिया और लास्ट में सिग्मा एफ डी डेस लेंगे। अब इनका समेशन करने के लिए प्लस वाली वैल्यू को और माइनस वाली वैल्यू को अलग अलग जोड़ेंगे। ये दो वैल्यू माइनस में है तो इनका समेशन होगा -52, ये दो वैल्यू प्लस में है इनका समेशन होगा +59, और प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 7। 59 - 52 इक्वल टू 7, और ये 7 प्लस का होगा क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, 59 बड़ा है। तो अब हमारे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू नीडेड है, समेशन ऑफ एफ डी डेस मिल गया, एन ए एंड आई सभी वैल्यू हमको मालूम है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आंसर निकालेंगे। तो ए की जगह 6, समेशन ऑफ एफ डी डेस की जगह 7, एन की जगह 100 एंड आई की जगह 2 रखेंगे। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू छोटी हो गई। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू रिकवर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वहां पर कमी हुई थी वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा एक्स बार इक्वल टू 6 प्लस इधर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.14, और 6 को 0.14 से ऐड करेंगे आंसर आएगा 6.14। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है और इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया। मींस डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और तीनों ही मेथड को अप्लाई करने पर वैल्यू सिमिलर आ रही है, मींस हर केस में वैल्यू सिमिलर आती है। बहुत माइनर सा डिफरेंस कभी हो सकता है, अदरवाइज सिमिलर ही आती है। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप शॉर्टकट मेथड से ज्यादा है, फॉर्मूले में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान मेथड ये है, और स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से मींस सबसे कम स्टेप वाला मेथड डायरेक्ट मेथड है। तो आप क्वेश्चन की डिमांड और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।